रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रायपुर में अप्रैल से प्रदेश का यहां पर दौरा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। रायपुर से बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, जमीनी स्तर पर भूपेश बघेल क्या कुछ हकीकत है वोट तोड़ने की कोशिश करेंगे, मिशन संभालेंगे 2023 को लेकर, चुनावों को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों का विकास की कार्यों की समीक्षा यहां पर सीएम भूपेश बघेल करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकें करेंगे, बातचीत करेंगे, बूथ स्तर की तैयारियों की भी सीएम भूपेश बघेल समीक्षा करते नजर आ सकते हैं। मिशन 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल अब छत्तीसगढ़ की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर समीक्षा करेंगे उन कार्यों की जो सरकार ने किए हैं। ऐसे में बड़ा दौरा, बड़ा कार्यक्रम, बड़ा प्लान सरकार का यह माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मार्च के बाद जब 5 विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और बजट सत्र के बाद वे एक एक ब्लॉकों में जाएंगे, एक एक विधानसभा में जाएंगे, जो सरकार की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा करेंगे, संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के इस दौरे का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ प्रदेश की जनता भी इंतजार कर रही है और आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जी के इस दौरे का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और एक बार फिर चलेंगे सहयोगी वैभव पांडे के पास में। वैभव, मुझे लगता है 18-19 महीने बचे विधानसभा चुनावों में, सीएम भूपेश बघेल प्लान बनाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं, कितना पॉलिटिकल माइलेज 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को यहां मिल पाएगा दौरे के बाद में? वैभव पांडे, देखिए शुभम, चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी उत्तर प्रदेश के दौरे में है और वहां पे चुनावी कमान संभाल रहे हैं, लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में फिर चुनाव होने हैं 2023 में, और ऐसे ही कुछ 5 और राज्य रहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से फिर जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने छत्तीसगढ़ में संभालेंगे। और यही वजह है कि मार्च का जो बजट सत्र समाप्त हो रहा है 27 मार्च को, इस 27 मार्च के बाद जो भूपेश बघेल हैं वो अप्रैल से अपनी तूफानी दौरे की शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी जानकारी अभी कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला दे रहे थे। उसके मुताबिक सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे, वहां पे जो भी विकास कार्य इन 3 सालों में हुए हैं उसकी समीक्षा करेंगे, कहीं पे कोई कमियां हैं तो उसको दूर करने की कोशिश होंगी, सरकार की जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन कैसे बेहतर ढंग से हो पाया है या नहीं हो पाया है इसकी वो समीक्षा करेंगे। साथ ही बूथ लेवल पर जो तैयारी है कांग्रेस की, चूंकि उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, तो वो तैयारी कैसी है, इन सब की जानकारी, बारीकी जानकारी वो जमीनी स्तर पर लेंगे। और एक तरह से ये साफ है इस दौरे से वो ये बताने की भी कोशिश करेंगे कि 2023 में कांग्रेस का कोई मुख्य चेहरा होगा तो वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही होंगे, और इसी के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी चुनावी दौरे की तैयारी या मिशन 2023 की तैयारी ये जो है अप्रैल महीने से करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैभव खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो ऐसे में अप्रैल माह से सीएम भूपेश बघेल यहां पर दौरे करते नजर आएंगे, समीक्षा बैठकें करेंगे विकास कार्यों की, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में होना है।